हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जाओगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी शाम के टाइम हो रहा है तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए। अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने, यहाँ पे जल्दी बन जाता है खाना। हम तो शहर में तो आप लोगों को पता ही है, कम से कम 10 बजे से पहले नहीं हम बनाते हैं खाना, और या 9 बजे के पहले। लेकिन यहाँ जा रही हूँ अभी मैं बनाने, तो मैं सोची हूँ कि चलिए ब्लॉगिंग का शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिनों से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा। जब से यहाँ पे आई हूँ सही से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा, वीडियो नहीं पड़ रहा है। कभी 2 दिन में 3 दिन में हो जाते हैं तो वही बहुत है। और क्या करूँ मैं, थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है, ट्राईपॉड लेके आई नहीं हूँ और लाइन यहाँ दिन भर रहता नहीं है, तो फ़ोन जैसे चार्ज रहता है वैसे मैं कर लेती हूँ, नहीं रहता तो नहीं कर पाती हूँ इसीलिए। तो चलिए जैसा भी छोटा बहुत ब्लॉगिंग। और ये देखिए आप लोग, पीछे फूल लगे हुए हैं तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, लेकिन सही से नहीं दिख रहा था और वहाँ फ़ोन रखने से अच्छे से पता नहीं चला था। ये देखिए आप लोग, फूल लगा हुआ है तो अच्छे से खिले हुए हैं, लेकिन ये ठंड के मौसम का फूल है ना, तो इस वजह से उसमें अच्छे से, अब गर्मी आ रहा है तो ये सूखने लगे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। और मैं जा रही थी खाना बनाने, इतने पापा मेरे लेके आ गए थे रसगुल्ले, तो वही हम लोग जा रहे थे खाने, तो ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहीं पे वीडियो बना ही रही थी तभी लेके आ गए थे। तो अभी जब से मैं आई हूँ ना, तो डेली कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। जब भी जाएंगे पनियरा या कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि परी भी है और हमारे लिए भी, और माँ बाप का दिल तो बहुत ही बड़ा होता है। तो बस यही लेके आए थे, तो हम सभी मिलके अभी खा रहे थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो यही मैं खड़ी थी थोड़े देर। ये देखिए आप लोग, हरा भरा, मतलब लहसुन लगा है, प्याज लगा है, तो अच्छा लगता है इस तरह से। और एक भी लगे हैं, और ये देखिए हमारी झोपड़ी, इसमें रखा हुआ है लकड़ी। और पहले हम ज़्यादातर जो है ना इसी तरह की झोपड़ी में सोया करते थे, जब हमारा मिट्टी का घर था ना, तो मिट्टी के घर में भी रहते थे, लेकिन ऐसे ना झोपड़ी में भी सो जाया करते थे। हमारा ये अच्छे से था, मतलब इस तरह टूटा नहीं था, तो अच्छा लगता था। और गर्मियों के मौसम में तो ऐसे मकानों में बहुत अच्छा लगता है, और मिट्टी का मकान था ना तो बहुत अच्छा लगता था। और मतलब सोने में ठंड मतलब गर्मी नहीं लगती थी उसमें, गर्मी के मौसम में। अभी तो मतलब ये 2 रूम बन गए हैं, 2 रूम बस बने हैं अभी, 2 रूम के लिए इधर खाली है, वो नहीं बना है बस। तो और जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, अपने बनवाने के ऊपर है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये देखिए आप लोग, इसमें अभी लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ी है इसमें, जो कि मतलब लकड़ी वैसे भी कुछ भी ख़राब चीज़ है। तो अभी मैं छत पे चढ़ रही हूँ, शाम का टाइम है तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जा रही थी खाना ही बनाने, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा चलिए आप लोगों को शेयर कराती हूँ, ऊपर से छत से दिखाती हूँ कैसा दिखता है। और ये मैं पहली बार जब आई थी तब भी आप लोगों के साथ इस तरह के सारे जो है ना ये सब शेयर की थी, तो अच्छे लगते हैं। घर के सामने ही ये सब पेड़ ओड़ लगे हुए हैं, हम ही लोगों का है, और घर के सामने ही तालाब है छोटा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ का व्यू जो है ना, नीचे से भी बहुत अच्छा लगता है, छत पर भी चढ़ जाओ तो भी बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। अभी शाम का टाइम था तो उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था। और ये देखिए आप लोग, यहाँ पर नीचे ना ये 2 कमरे के लिए जगह छूटा पड़ा है, तो यहाँ पर सब्जियाँ वब्जियाँ भी लग जाते हैं, और लहसुन प्याज ये सब लग जाते हैं, और यहीं फूक भी लगे हुए हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। और उधर बड़ी मम्मी का घर है, तो वही मैं दिखा रही थी। अभी छत पे वो लोग क्या किए हैं ना, मच्छरदानी लगा दिए हैं, छत पे सोते हैं वो लोग। और यहाँ मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी दूसरे मोबाइल से, तो फिर थोड़ा सा एक मोबाइल मतलब थोड़ा सा वीडियो भी बना ली थी मैं, फ़ोटो खिंचवा रही थी। यहाँ आ गया था मेरा भतीजा, तो उसी से मैं कह रही हूँ फ़ोटो खींच दो, तो फिर फ़ोटो खींच रहा था, तो वही मैं वीडियो भी बना ली हूँ साथ साथ में। और अभी आ गई थी मैं, मतलब सब्जी वब्जी काट ली थी, तो आ गई हूँ मैं यहाँ खेत में ही। धनिया लगे हुए हैं भैया के, हमारे बड़ी मम्मी के, तो जो तालाब है ना इसके पीछे ही तालाब है छोटा सा, उससे पहले ही यहाँ जगह है ना, तो यहाँ पे साग सब्जी जो भी कुछ भी रहते हैं ना, सब्जी वब्जी है यहाँ पे, प्याज व्याज उगा देते हैं। पूरा दिन में किसी दिन वीडियो बनाऊँगी मैं, तो आप लोग किसी दिन किसी ब्लॉग में मेरे देखेंगे अच्छे से। अभी तो शाम का टाइम था तो यही मैं आ गई थी धनिया लेने, तो वही मैं दिखा रही थी। गाँव में यही तो फ़ायदा है, देख लीजिए आप लोग, सब्जी वब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ताज़े ही मिल जाते हैं।
मतलब ख़रीदना तो पड़ता है, कम ही ख़रीदना पड़ता है मौसम के हिसाब से। कुछ सब्जियां तो घर पे ही हो जाते हैं, और धनिया वनिया की बात करें तो लहसुन ये सब तो घर ही हो जाते हैं। तो जो अपना है ताज़ा मिल जाता है उसका बात ही अलग होता है, और जो हम ख़रीद के लाते हैं वो तो मतलब उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वही मैं ले रही थी धनिया, और उसके बाद अभी दिन में ही मम्मी जो है ना सुबह ही आटा गूँथ के रख दी थी, जो कि गुलगुला बनाने के लिए। तो गुलगुला बनाने के लिए ना आटा गूँथ के रखी थी, तो उसमें मैं जो है गरी काट रही हूँ। तो इसमें अपने हिसाब से तो पड़ते हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन मैं बस गोले ही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। तो वही मैं काट रही थी यहीं बैठे बैठे, और आटा को फिर से दोबारा मींडूंगी मैं। और वीडियो पता नहीं कैसा बन रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ इस तरह से हो रहा था वीडियो, सही नहीं बन रहा था। और वैसे भी ना ट्राईपॉड नहीं है, तो कहीं भी रखो ना तो सही से बनता नहीं है, जैसा भी बन जाता है वैसा मैं बना लेती हूँ। तो बस, और आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही है, कई कई दिन हो जा रहे हैं वीडियो नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो यहीं पे बैठे बैठे अभी काट रही हूँ, और परी अभी सोई नहीं है, अपने नानी के साथ ही खेल रही थी बाहर। खाट बिछाए हुए हैं, मम्मी ने खाट बिछा रखी, तो उसी पे लेके बैठी हुई है परी को। तो परी वहीं पे खेल रही है, और मैं यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ। तो सब्जी और चावल भी बनेंगे, और सुबह के दाल हैं, तो मतलब ये सब तो है, लेकिन और थोड़ा सा ये जो है गुलगुला बनाऊँगी। तो एकदम पतला सा गुलगुला नहीं बनता है यहाँ पर, इस तरह से ना हल्का, मतलब एकदम पतले नहीं रहते हैं, जो कि चमचे से हम उठा के डालते हैं उस तरह से नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कैड़ा ही रहता है जो कि हाथ से बना के हम डालते हैं। तो ये दोबारा से मैं मींड रही थी, और इसमें सोडा वोडा कुछ भी नहीं पड़ा है, क्योंकि ये सुबह से रखा हुआ है ना आटा, तो अच्छे से गुलगुला ऐसे ही फूल जाता है, इसमें सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो एक ही कमरा है, पीछे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा, तो ये सब तो आप लोग इग्नोर करिएगा, और खाना भी यहीं पे ही बनता है। तो अभी पहले मैं गुलगुला ही बना रही हूँ, जो कि खाना जो है ना थोड़ा लेट इसके बाद बनाऊँगी, ये दो चार हम खा लेंगे और उसके बाद खाना भी बनते रहेंगे। और थोड़ा सा जो है परी रो रही थी, तो मैं गोदी ले ली थी, तो मम्मी एक दो बार जो है ना निकाल दी थी, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ, और परी मम्मी के साथ खेलते खेलते सो गई थी फिर इसके बाद। और थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में, और एक ही ले छोटा वाला गैस है ना, तो अगर दो चूल्हे वाले रहते तो फिर एक पे तो खाना बन जाते और एक पे बन जाता, तो जल्दी से काम हो जाता, लेकिन नहीं है तो फिर एक ही पे थोड़ा टाइम लग जाता है काम होने में। और मम्मी गुजिया के लिए भी सब कुछ रखी थी, लेकिन मैं अभी गुजिया नहीं बनाऊंगी, जो कि बाद में बनाऊंगी, मैंने बोला एक ही साथ नहीं अच्छा रहेगा। और माँ बाप का दिल बहुत बहुत होता है बड़ा, मतलब कोई नहीं पा सकता माँ बाप का जगह, जो कि होली पे देखिए मम्मी बहुत थोड़ा थोड़ा सा चीज़ बना ली थी, मतलब गुजिया भी थोड़ा ही बनाई थी, गुलगुला भी थोड़ा बनाई थी, बस पकौड़ी भी, और बाकी जो भी सामान है ना वो रख दी थी उठा के। गुलगुले के लिए भी मतलब गुड़ रख दी थी, गुड़ का गुलगुला बनाते हैं यहाँ पे, तो गुड़ का गुलगुला ना बहुत अच्छा लगता है, चीनी से भी अच्छा। और सूजी उजी भी सब उठा के रख दी है, तो वही मैं बनाऊँगी, मतलब मेरा वेट कर रही थी कि आएगी तो फिर बना लेगी, दीदी यहाँ थी मैं तो वही एक एक दिन करके बनाऊँगी। और ये देखिए आप लोग, ये फूलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से फूल जाता है बिना सोडे का, ये देखिए आप लोग, और बहुत अच्छा लगता है, हाथ से ही बना के मतलब डालते हैं, चमचे से नहीं, उतना पतला भी नहीं रहता है। और ये देखिए, ये है हमारी यूपी का फेमस गुलगुला मतलब कोई भी त्यौहार पड़े तो गुलगुला गुजिया ज़रूर बनते हैं हमारी यूपी में, हमारे इधर के साइड। तो वही बन रहा था ये, मतलब ये लास्ट का था, जब ये लास्ट का डाली थी मैं, तो ही लास्ट में भी वीडियो बना ली थी। और ये है मेरा उस दिन का क्लिप, जिस दिन मैं आ रही थी अपने दीदी के वहाँ से, उस दिन भी कोई भी वीडियो वीडियो शूट नहीं की थी मैं, तो दीदी के यहाँ से संडे में ही आ गई थी मैं, और ये संडे का ही है, थोड़ा सा मैं क्लिप ली थी, क्योंकि दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और परी इस तरह से बीच में बैठी हुई है, तो इसे संभालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जो है मैं वीडियो नहीं बनाई। और पहले ज़रूरी है बच्चे को देखना, फिर वीडियो तो बनते ही रहते हैं, इसीलिए हाथ तो छोड़ नहीं सकती मैं। और ये देखिए आप लोग, अभी एक जगह रुके थे हम गन्ने के जूस पीने, जो कि परी रो रही थी बार बार, इसे पानी चाहिए था, तो पानी मांग रही थी बार बार, कुछ खाने को मांग रही थी, तो वही हम रुके थे। तो जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।